अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शादी कुमार रेहान, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ ही दिनों पहले एप्पल कंपनी ने ये दावा किया था कि वो एक आई कार बनाने जा रही है, और वो कार कैसी होगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उस कार के लिए एप्पल ने एक रेस कार को परचेज़ कर लिया है, उसको हायर कर लिया, रेसिंग कार की कंपनी के कुछ लोगों को परचेज़ कर लिया है। और अब रेसिंग कार से मिलती जुलती आई कार किस तरह की होगी ये तो बाद में पता चलेगा जब ये कार आएगी, लेकिन अभी तक ये न्यूज़ हैं कि कुछ जो रेसिंग कार और आई कार का कुछ कम्बिनेशन नज़र आ रहा है, तो देखते हैं कि ये कार किस तरह होती है जिसे आई कार का नाम दिया जा रहा है, और इसमें ऐसे क्या क्या फंक्शन होते हैं जो कि आई कार पर पूरा उतरते हैं। तो दूसरी न्यूज़ ये है कि व्यूअर्स, फेसबुक ने एक ऐसा ऑप्शन लॉन्च किया है, बल्कि करने जा रही है, जिसके ज़रिए जब भी आप किसी भी स्टोरी को शेयर करने लगेंगे, किसी भी पोस्ट को शेयर करने लगेंगे, तो फेसबुक आपको पहले ये बता देगी कि क्या ये स्टोरी या ये पोस्ट फेक है या कि वो रियल है या सही है, जिसे आप कह सकते हैं, वो आपको फेसबुक पहले से जज करके बता देगी कि आप इसको शेयर जो करने लगे हैं तो क्या ये वाकई ही ऐसी बात सही बात को आप शेयर कर रहे हैं या आप किसी गलत बात को शेयर कर रहे हैं। तो ये शेयर करने से पहले ही फेसबुक आपको बता देगी, ताकि आप उस चीज़ को शेयर ना करें अगर वो कि गलत है, और अगर फिर भी आप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन फेसबुक आपको ये बताएगी कि ये बात गलत है या सही है। और तीसरी न्यूज़ है आज की व्यूअर्स, वाइन से मुतल्लिक। ट्विटर ने कुछ ही अर्सा पहले ऐलान किया था कि वो दिसंबर में अपने एक जो ऐप है उसको क्लोज़ कर देगी, ख़त्म कर देगी, क्योंकि काफ़ी सारे क्रिमिनल केस जो सामने आए थे वाइन से मुतल्लिक। लेकिन अब वाइन ने ये फैसला ट्विटर ने ये फैसला किया कि वो वाइन को क्लोज़ नहीं करेगी, बल्कि उसमें कुछ चेंजेस ला के उसको एक नई ऐप के तौर पर ही अपने रखेगी इंटरनेट पर, और उसको क्लोज़ नहीं करेगी। इससे काफ़ी सारा फ़ायदा होगा, ये कि कुछ लोगों का जो डाटा लॉस हो रहा था तो वो भी बच जाएगा, और ट्विटर की एक ऐप जिसके बंद होने से गलत इम्पेक्ट पड़ रहा था वो भी नहीं पड़ेगा और वो भी बच जाएगी। तो इस तरह से ट्विटर को दो तीन किस्म के फ़ायदे हो रहे हैं इसको क्लोज़ करने से। यकीनन ट्विटर ने ये अच्छा फ़ैसला किया है, क्योंकि ऐप क्लोज़ होने से काफ़ी गलत इम्पेक्ट पड़ता लोगों पर ट्विटर का, कि किसी भी वक्त ये हमारा डाटा ख़त्म कर सकते हैं, किसी भी वक्त ये भी किसी भी चीज़ को क्लोज़ कर सकते हैं। तो वाइन को अब क्लोज़ नहीं किया जा रहा, बल्कि इसमें चंद एक फीचर जो हैं वो चेंज किए जा रहे हैं। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।